तो गाइस फाइनली यार जल्दी से ओपन करो इसको यार। देखो भाई कुछ हमको ऐसे अंकल ने पैक करके दिया था भाई। हाँ भाई देखो, आप सर्दी से कन्ने बांधते हो तो भाई डबल लेयर से बांध देना, क्योंकि भाई मेन काम कर लेना, क्योंकि भाई अपने कन्ने को भाई थोड़ा सा मोड़ लेना हल्के से, और मोड़ोगे कैसे, ऐसे भाई देखो ऐसे रखना सर पे, फिर चलो उड़ाते हैं। सो हे गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा होगा भाई, हम 30 पतंग खरीद के लेके आए थे एनएस काइट सेंटर से, तो आज उसी को हम उड़ाने वाले हैं। 30 पतंग को तो नहीं उड़ा पाएंगे, पर एक दो उड़ जाएंगे, क्योंकि भाई शाम भी हो गई और मौसम भी काफ़ी बेकार होने हो रखा है, और हम आज इससे उड़ाने वाले हैं भाई, क्योंकि सारा मंजा इस पता नहीं इसने ख़राब कर दिया भाई, मतलब पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आपको ये देखो, ये वाली है हमारी 30 पतंग जो कि लेके आए थे एनएस काइट सेंटर से। तो आज अभिषेक इसी को अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे एक एक पतंग क्या क्वालिटी होने वाली है, क्योंकि अच्छे से देखने में क्वालिटी पता चलता है भाई। तो आज अभिषेक दिखाने वाला है, और इसमें कितने डिजाइन है अभिषेक? ये 4-5। इसमें 4-5 डिजाइन आपको हो गए? हाँ, 4 या 3 जो भी हो, देखते हैं हम कैसा होने वाला है। और पतंग का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है भाई, काफ़ी सस्ते पतंग थे वहाँ की। तो चलो देखते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और एक एक पतंग देखते हैं कैसा निकलने वाला है। तो चलो कंटिन्यू ब्लॉक करते हैं, और इसको उड़ा के भी टेस्ट करने वाले हैं हम। मौसम तो काफ़ी बेकार होने हो गया है, ये देखो खत्म, मतलब बारिश वारिश का मौसम बना हुआ है, और शाम हो गई, 7:05 हो चुके हैं। तो अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं जल्दी से। तो ब्लॉगर के साथ ब्लॉगर बैठा हुआ है यहाँ पे, ये देखो बैठ के अपना इंट्रो कर रहा है। तो ये देखो भाई पतंग काफ़ी बढ़िया है भाई, मेरे को तो काफ़ी अच्छी लगी, मेरे को तभी इस पतंग को मैंने इसको खरीदवा दिया। और मैं जाता हूँ तो भाई सस्ते में खरीदवाता हूँ भाई सबको, ऐसा तो है भाई। क्योंकि अगर हाँ, अगर आप अगर जाते हो लेने, तो आप मेरी वीडियोस दिखा सकते हो और इजीली ले सकते हो भाई, क्योंकि अंकल को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये वीडियो बना के गए हैं और इनके वीडियो देख के लोग आ रहे हैं, तो सस्ता लगा देते हैं भाई अंकल ऐसे करके। तो ये वाली होने वाली है, अनबॉक्सिंग कर यार जल्दी से यार, रात हो रही है, रुको जरा सबर करो। तो गाइस फाइनली यार जल्दी से ओपन करो इसको यार। देखो भाई कुछ हमको ऐसे अंकल ने पैक करके दिया था भाई, ये देखो भाई कुछ ऐसा पैक था हमारा काइट। और अब जल्दी से ओपन कर दो भाई अभिषेक भाई। तो गाइस जिसमें देख सकते हो 3 स्टेपलर लगा रखा है भाई, और तीनों खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी जल्दी से भाई, आने वाला है। अनबॉक्सिंग करो भाई, और आज हम पतंग उड़ाएंगे, इसकी टेस्ट करेंगे, और हवा काफ़ी बढ़िया होने वाली है भाई। हवा देखो भाई, इस झंडे को देखो भाई, इस मेरे झंडे को देखो भाई, घर के मस्त उड़ रही है ना, अनबॉक्सिंग हो गया है, और काफी बढ़िया बढ़िया पतंग है, तो दिखा नहीं सकते आपको, फटी हुई हाँ वो फटी फटी निकल जाती, तो भाई उसको इग्नोर मारना अंकल, एक्स्ट्रा ही पतंग दे देंगे भाई। तो जल्दी से निकाल के दिखाओ भाई अभिषेक, कैसी पतंग है भाई? ये देखो भाई पतंग आपकी, और 30 पतंग है तो भाई बहुत ज्यादा लग रही है भाई हमको हाथ में, ऐसे देखने में भाई अभिषेक कम लग रही थी ना, ये देखो। हाँ भाई ये ओ भाई टाइट एकदम, 3 पतंग ये हो गई भाई। पतंग का तिल्ले दिखाओ मोड़ उड़ के भाई अच्छे से, आगे पीछे से दिखाओ पतंग कैसा होने वाला है भाई। 7 पतंग ये हो गई भाई टोटल, और एक गड्डी में भाई देखो एक लाइन में मतलब 4 पतंग फंसती है भाई, ये देखो। और ये देखो ये दूसरा डिजाइन आ गया ब्लैक एंड रेड, काफी बढ़िया होने वाला है भाई। और इसके भी 11 हो गए टोटल, और काफी डिमांड होती है इन वाले कलरों की पतंगे की भाई। देखो अब ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये देखो भाई, मतलब है ना भाई कंपनी की पतंग है भाई। ये देखो भाई आपको सर सभी पतंग में भाई आपको ये दिख जाएगा धब्बा। ये देखो भाई, ये सोचा नहीं था इतना बड़ी, मतलब ये देखो भाई कई डिजाइन के पतंगे होने वाले हैं यहाँ पे हमारे इधर। ये देखो भाई एनएस काइट सेंटर से सारी पतंगे लेके आए हैं भाई, ये देखो काफी बढ़िया बढ़िया पतंगे निकल रही हैं अंकल की। ये हो गए भाई 19 पतंग, और यहाँ पे बो कर रहे हैं भाई, ये देखो भाई पतंगे काफी उड़ रही है भाई, जल्दी से दिखाओ भाई अभिषेक, जल्दी दूसरी दिखा। 19 पतंग हो गए भाई, ये टोटल 19 पतंगे हो गए भाई, जल्दी से दिखाओ अभिषेक भाई, ये पतंग है भाई। और ये देखो ये दूसरी डिजाइन आ गई, मतलब हर एक लेयर में मतलब दूसरी डिजाइन अंकल ने पतंग दिया है हमको। तो ये टोटल हो गई कितनी, 23 पतंगे हो गई भाई, जल्दी से निकालो भाई जल्दी से। 24, 25, 26, 27 पतंगे हो गए, 27 टोटल हो गई यहाँ पे। ये देखो ये पूरे ब्लू में आ गई है, और ये फिर से दोबारा ब्लैक एंड रेड। तो ये देखो भाई पतंग मिल गया हमको, 31 पतंग भाई। ये देखो भाई एक पतंग एक्स्ट्रा मिल गया भाई, कैसे दे दिया पता नहीं, एक पतंग अंकल ने एक्स्ट्रा दिया भाई, अंकल को पता होगा तब भी कोई नहीं। अंकल भाई अच्छी है, पतंग भी दे देते हैं भाई एक्स्ट्रा। तो
काफी सारी पतंगे लग रही है, बट हमको भाई इतना दूर से मतलब लग नहीं रहा था कि हमको इतनी सारी पतंगे मिल जाएगी। सबसे अच्छा डिजाइन मेरे को ये वाला, सबसे अच्छा डिजाइन मेरे को भी भाई यही लगा है भाई एकदम। भाई आप कोई सा भी डिजाइन आप अपने मन पसंद से ले सकते हो वहाँ पे जाके। और इस पतंग का प्राइस भी काफी बढ़िया था भाई। ये पूरी पतंगे कितने की थी तेरी भाई? ये 150 रुपए की पतंग थी भाई। पूरी 30 पतंगे 150 रुपए की खरीदी थी हमने भाई। ये देखो वाटर मार्क मार्क भी लग रखा है यहाँ पे कंपनी का भाई। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया भाई पतंग पतंग उड़ाए भाई। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना एकदम भाई। चलो पतंग उड़ाते हैं जल्दी से भाई। हमारा भाई वेट कर रहे थे कब पतंग उड़ाएंगे भाई भैया है ना। तो मंजा बहुत मतलब सद्दी है एकदम। ये देखो भाई सद्दी से उड़ाने वाले हैं आज हम। तो उड़ाते हैं भाई, लड़ाएंगे नहीं ज़्यादा। तो जल्दी से कंटिन्यू ब्लॉग को करते हैं एंड कंटिन्यू बने रहना हमारे ब्लॉग में। अभी से एक भाई पतंग छाटो भाई, जो कोई सी मतलब अच्छी सी निकाल भाई, जो कि उड़ जाए हवा में मस्त एकदम। और 15 अगस्त को तो इसी सबसे उड़ाने वाले, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पतंग को छट मतलब इस पतंग को निकाल लिया हमने, और बाकी सारी रख दो भाई। और यहाँ पर बहुत सारी पतंगें लगती है भाई, वहाँ पर जाके आप ज़्यादा पतंग मत खरीद लेना, अपने हिसाब से खरीदना भाई, और बच भी जाती है भाई। तो अभिषेक भाई तो इसी में अगस्त मना लेंगे पूरा 15 अगस्त भाई। तो और लाना है भाई अभिषेक को। तो भाई ये देखते हैं अभी 15 अगस्त से पहले ख़त्म होती है हमारी या नहीं होती। तो जल्दी से करते अपना ब्लॉग स्टार्ट और इस पतंग में बांधते कन्ने। अंधेरा हो रहा भाई, ब्लॉग स्टार्ट करते जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। चलो रेडी एंड गो। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट एंड कन्ने बांधते भाई। पहले थोड़ा पास आ जाओ भाई। और हाँ भाई देखो, आप सद्दी से कन्ने बांधते हो तो भाई डबल लेयर से बांध देना, क्योंकि भाई सिस्टम हैंग हो जाता है पतंग उड़ने के बाद भाई, पूरा कन्ने गुल हो जाती हैं भाई। ये बहुत कच्चा होता है ना भाई, इसलिए। तो भाई पतंगें तो लड़ रही है भाई, मन कर रहा है लास्ट पतंग उड़ाएंगे क्योंकि रात हो गई ना, अगले अब कल उड़ाएंगे। मान जा ये भी मजबूत है भाई, देखो वर्तमान की सद्दी बोलते हैं भाई इसको, मस्त है काफ़ी। और NS काइट सेंटर की दुकान पे ये सद्दी भाई काफ़ी सस्ती मिल रही थी भाई, मैं तो शौक हो गया था वहाँ पे कि। और यहाँ पे भाई जो सद्दी 5 और 10 रुपए की देते हैं ना, वहाँ पे भाई ओनली 3.5 रुपए में मिल रही थी। कहता मतलब भाई छेद कहाँ से करो भाई, तिल्ली लेके आओ यार। रुको भाई रुको, एक डिजाइन है हमारा। तो गाइस हमने बांध लिया है कन्ने, और ये आ गया सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे बांधते कन्ने। ये देखो भाई आपको ऐसे कर लेना है, और नीचे से भाई कुछ इस टाइप का भाई, मैं मतलब सीख गया था भाई, जल्दी सीखा था ये भी, तो अब भूलता नहीं हूँ मतलब वही है। तो यहाँ पे नीचे करके दिखाओ भाई अभिषेक। तो ये देखो कन्ने कुछ इस टाइप के बांधने होते हैं भाई, या तो आप दोनों लेयरों को बराबर करके बांधा करो, या इसको ज़्यादा छोटा कर दिया करो, या इसको बड़ा कर दिया करो। तो चलो यहाँ पे हम सब मतलब बराबर कर देते हैं इसको भाई, मस्त उड़ती है पतंगें ऐसे करके भाई। तो अब इसको यूं करके बांध लेना है भाई, आपको एक ही गीठ बांधनी है यहाँ पे, ये देखो यूं करके, ठीक है भाई। हो गई है हमारी काफ़ी बढ़िया पतंगें। इसको थोड़ा सा एक कन्ना यहाँ पे आगे बांध देते हैं, ताकि आगे थोड़ा सा छोटा रहे और खींच अच्छी लगे भाई। और आपको भाई कुछ इस टाइप से ऊपर से बांध देना है भाई आपको। ये देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बांध के, जैसे कि यहाँ पे ये देखो। तो उड़ाने से पहले एक मेन काम कर लेना, क्योंकि भाई आपने कन्ने को भाई थोड़ा सा मोड़ लेना हल्के से, और मोड़ोगे कैसे ऐसे भाई, देखो ऐसे रखना सर पे और थोड़ा सा ऊपर से ऐसे कर लेना भाई। ये देखो इस कन्ने उड़ने से भाई कभी पतंग लहर नहीं मारती, सीधा नीचे नहीं आती, कभी ऊपर ही ऊपर में मुड़ जाती है और नीचे अच्छी लगती। चलो उड़ाते हैं, आ जाओ। इतना कन्ने इतना मजबूत थे भाई, पतंग चली गई भाई हमारी। चल छोरा यार, क्या था ये तेरा मंजा भाई? तभी हमारा यार सद्दी टूट गया यार यहाँ से भाई, पूरा बेकार हो गया, मजा नहीं आया भाई। ये देखो हमारी पतंग ये प्लॉट में पड़ी हुई है भाई। ये देखो कोई बात नहीं भाई, नेक्स्ट पतंग कन्ने बांधते हैं भाई, खत्म होगी तो भाई और लेंगे, है ना अभिषेक भाई? ये देखो ये भाई बंदा से उड़ा रहा है, ये देखो इसके पतंग बोल रही भाई, ये सुने एकदम खड़ी है ना भाई, खत्म मान जाओ, आराम से चरखरी से उड़ा रहे हैं भाई तीनों भाई, मजे से एकदम। चलो भाई जल्दी बांधो अभिषेक, रात हो रही है। तो ये रहा भाई हमारी नेक्स्ट पतंग, जो कि भाई ब्लू में ही निकाल रही है अभिषेक ने दोबारा। तो अभिषेक जल्दी से कन्ने बांधो भाई। तो गाइस बांध दिया अभिषेक ने कन्ने, और ये वाली पतंग भाई अभिषेक उड़ाएगा भाई। अभिषेक भाई देख ले, ये वाली पतंग नहीं जानी चाहिए। आगे का मांजा कच्चा था, आगे का मांजा कच्चा था, तो बताया क्यों नहीं गया था, देखा नहीं गया था, तो अब ये वाली पतंग भी चली जाएगी। तो भाई अभिषेक उड़ा जल्दी से, चरखा मैं पकड़ लेता हूँ। अभिषेक उड़ा भाई, अभिषेक उड़ा भाई, ये रही पतंग हमारी। अभिषेक रेडी स्टडी एंड गो 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 भाई, उड़ाने नहीं आ रही अभिषेक को।
थोड़ा सा उलझा हुआ है। मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ पे पतंग सामने उड़ रही है, बहुत सारी भाई यहाँ पे। ये देखो 15 अगस्त में तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, यहाँ पे पतंग अंकल की एकदम बैटर होने वाली है भाई, मस्त उड़ रही है भाई पतंग। जल्दी उड़ा यार अभिषेक, ऐसी 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 ढील देते रहे, ढील देते रहे भाई, उड़ जाएगी उड़ जाएगी भाई। लड़ाइयो मत यार, लड़ाइयो मत। तू इस साइड करके रख, इस साइड करके रख अभिषेक। क्या ज़्यादा तेज़ खींच मारे तो टूटेगा ही भाई। आराम से उड़ा, अभिषेक को उड़ानी आ गई भाई कब से भाई। है ना पतंग अच्छी है ना। अबे देखो बच्चा पकड़ लेगा यार अभिषेक। नहीं भी गई आज, हमारे नसीब में पतंग उड़ाने नहीं लिखा हुआ है भाई। अंधेरा भी हो गया वैसे भी भाई, हमारी पतंग हवा में चली गई है भाई। ढील देते, हवा चल रही है जल्दी जल्दी भाई। अभिषेक यार सद्दी है ना हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा डर लग रहा है कि कट के दुम अपने आप ही टूट जाती है भाई, अभी जैसे टूटा था हमारी। कोई बात नहीं भाई, रात हो गई, नेक्स्ट टाइम अच्छे से उड़ाएंगे। ज्वाइंट वाइंट तो नहीं है ना भाई? ये देखो कितनी बेकार सद्दी है भाई। अबे ऊपर कर, उसका उसका गला काटेगा तू भाई। थोड़ा ऊपर करके रखना, अभी उड़ाने नहीं आ रही क्या तेरे को? संभल नहीं पा रही, मैं उड़ाऊं? पकड़ अब इसको, पकड़ भाई। ये वाली पतंग टूट गई भाई हमारी। अभिषेक सर्दी से नहीं उड़ाएंगे भाई आपसे आज का, सर्दी से उड़ाएंगे ही नहीं भाई, कन्ने भी नहीं बांधे ना भाई सर्दी से भाई। बेकार सीन हो गया भाई हमारी। कितनी पतंग चली गई? 2 पतंग भाई, इसमें 39 पतंगें बची होगी ना। चलो भाई कल उड़ाएंगे भाई। 29 हाँ 29 भाई। हाँ अब नीचे जा रहे हैं हम। अभिषेक मान जा तो लेके चल, बेचारे को छोड़ रहे हो। कोई बात नहीं अभिषेक, होता है होता है, 2 पतंग चली गई। सही बात है भाई, आ जाओ भाई अभिषेक आ जाओ भाई। 15 अगस्त को भाई यहाँ पे एक भी पतंग नहीं दिखेंगे भाई, प्लास्टिक का मांझे सो रहेंगे। हाँ प्लास्टिक का भाई, बच्चे अभी बोल रहे हैं ना नहीं उड़ा पाते पतंग, इनको बुलवाएंगे आई वो एकदम भाई एकदम। अभी आई वो चिल्लाएंगे 15 अगस्त को बस ओनली। तो अभिषेक भाई अब देखते हैं मंजे से उड़ेंगे है ना। हाँ यार आज के बाद कान पकड़ लिए, रील से नहीं उड़ाऊंगा कभी। बिल्कुल भाई, रील से कभी नहीं उड़ाना भाई मांजा। हमारी 2 पतंग बिना फालतू में चले गए भाई टूट के। हाँ बहुत बेकार लगा भाई। क्या रील को जला दूं, मन कर रहा है अब इस रील को जलाएंगे आज हम सारी। रात हो गई है, बस यही वाली पतंग उड़ा रहे हैं वो भी ये बच्चे भाई, है ना अभिषेक? देख ले भाई ऐसी पतंग हमारे, मतलब कुछ मज़ा नहीं आया भाई आज। तो देखो भाई हवा काफ़ी बढ़िया चल रही है, इसी हवे में, इसी तेज हवे के कारण भाई हमारी पतंग टूट के 2 बार चली गई। और भाई हवे के, हवा का कोई वैल्यू, हवा का कोई इसमें हाथ नहीं है भाई, बस जो हाथ है रील का है, जो हाथ है वो सद्दी का है भाई, क्योंकि सद्दी बहुत बेकार है। 2023 की है ना ये भी। हाँ यार ये देख रहे हो, सब जगह गिट मान रखा है यार, आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या पता है भाई, बहुत बेकार थी भाई सद्दी। 2022 का आज आज मज़ा नहीं आया पतंग उड़ाने में। तो भाई बस कल उड़ाएंगे, और जब भी हमारे पास प्लास्टिक का मान जाएगा जब उड़ाएंगे, क्वालिटी होने वाली है बहुत बेकार हमारी, रात होने वाली है भाई। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड। अभिषेक मज़ा नहीं आया ना? नहीं यार बहुत बेकार लगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है, उसको भी फॉलो कर लो भाई जल्दी से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।